नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, आदाब, जय श्री राम। बिलो बिल्कुल यहां पर बिना किसी देरी के क्लास की यहां पर करते हैं शुरुआत। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आज बहुत कुछ आपके लिए जानने के लिए है इस क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ बस आपको याद दिला दूं कि सुबह 9 बजे आपकी करंट अफेयर्स मैराथन क्लास आपकी चल रही है, जिसमें हम लोग लास्ट सिक्स मंथ की करंट अफेयर्स को यहां पर क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और पर डे आपके 50 एमसीक्यू यहां पर डिस्कस हो रहे हैं। इस क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी पर ये क्लास लाइव चलेगी। इसके लिए आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन पर बैंक एग्जाम गोल को सेट करके स्पेशल क्लास पर क्लिक कर ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा सीएचसीएल की जीएस की क्लास आपकी 11 बजे चल रही है, वो ये क्लास आपकी चल रही है एसएससी सेक्शन में, तो इस क्लास को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से क्लास की लिंक को यहां पर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। तो लास्ट क्लास में जो मोटिवेशनल कोट हमें सेंड किए हैं अखिलेश यादव जी ने किया है, जैसे कि वो कहते हैं कि जैसे कि आप हार मारने की सोचें उस कारण को याद कर लो जिसकी वजह से आप अभी तक डटे हुए थे। अगर आपको ये लगता है कि आपको हार मान लेनी चाहिए तो उस रीजन को वहां पर ढूंढिएगा जिसकी वजह से आप इस काम को करने के लिए अभी तक डटे हुए थे, ये बात यहाँ पर कही गई है। धनंजय कुमार जी यहाँ पर कहते हैं जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वे समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं, बहुत ही बेहतरीन। इसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद अशरफ जी ने लिखा है कि सदियां उन्हें मुबारक हो, सॉरी सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तो मुझे खुद बनाना है। लव फ्रॉम कश्मीर, इन्होंने कश्मीर से मोटिवेशन कोड हमें यहाँ पर भेजा है। रिया उपाध्याय कहती है कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। मनीष राजौरिया जी कहते हैं कि आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है, यानी कि 24 घंटे मिलते हैं जितना महान और सफल लोगों को मिलते हैं। भरत सिंह जी कहते हैं कि हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। इसी तरह अमित जी ने बहुत ही बेहतरीन, सुनील पाल जी कह रहे हैं कि घमंड में अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करता है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मोटिवेशनल कोट यहाँ पर भेजे। आप सभी भी अपने मोटिवेशनल को हमें मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे को हम लोगों को सेंड कर सकते हैं और बढ़िया रहा तो हम लोग बिल्कुल इसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर सेट करना होगा कि जैसे कि अगर आप बैंक सेक्शन की क्लास देखना चाहते हैं तो बैंक एग्जाम सेट करेंगे, एसएससी की क्लास देखना चाहते हैं तो एसएससी यहाँ पर सेट करेंगे। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं, सर्च कीजिएगा नाम, ऑल एजुकेटर्स पर क्लिक कर दीजिएगा, चौथे नंबर पर आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा और प्रोफाइल को यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्लास की, और अभी तक करीब 3000 के आसपास फॉलोअर्स हो चुके हैं, आप लोग भी यहां पर ज्वाइन कर लें। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको खरीदना है, टारगेट 10 आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहां पर 10% ऑफ मिलेगा और आप बैंक सेक्शन में और एसएससी सेक्शन में कोई भी यहां पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आप परचेज कर पाएंगे। रिविजन सेशन की बात कर लेते हैं, कल के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के यहाँ पर फटाफट से करेंगे रिवाइज। सभी लोग तैयार है तो एक बार यस लिख कर बता दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रिवीजन के लिए आता है कि दीपिका कुमारी और अतानु दास किस खेल के खिलाड़ी हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि परसों ही रांची शहर झारखंड रांची में इन दोनों ने आपस में शादी की या इनका शादी समारोह यहां पर कंप्लीट होता है। यहां पर हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो भी आपके वहां पर मौजूद रहे। दीपिका कुमारी एंड अतानु दास आर दी प्लेयर्स ऑफ विच गेम, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आर्चरी के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं या फिर गोल्फ के खिलाड़ी हैं। फटाफट यहाँ पर टाइप करके बता दीजिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। सर बहुत ईजी है, बताना क्या है, आर्चरी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है। आर्चरी की बात कर लेते हैं सर, तो भूटान कंट्री का जो नेशनल गेम बनता है वो आर्चरी बनता है। बैडमिंटन किस कंट्री का नेशनल गेम बनता है, फटाफट से
क्रिकेट की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड का आपका नेशनल गेम बनता है, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। भूटान के वर्तमान किंग का नाम क्या बनता है? भूटान के वर्तमान राजा बनते हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि करीब करीब 1907 से लेकर अभी तक नामग्याल वांगचुक यानी कि वांगचुक वंश के शासकों का ही शासन है अब भूटान कंट्री के ऊपर। भूटान की बात करें, न्यूगल ट्रम यहाँ की करेंसी बनती है और थिम्पू यहाँ की जो राजधानी है वो बनती है। दीपिका कुमारी अतानु दास इन दोनों ने मंगलवार को झारखंड के रांची में शादी की। हेमंत सोरेन जो कि आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं झारखंड के मौजूद थे। अर्जुन मुंडा भी यहां पर जो कि भारतीय तीरंदाजी जो संघ बनता है इंडियन आर्चरी जो एसोसिएशन बनता है उसके जो प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा वो भी यहां पर आपके मौजूद रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस देश में नए स्वाइन फ्लू वायरस के मिलने की पुष्टि की है? जापान, इंडिया, USA या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करके बताएं। रिसेंटली इन विच कंट्री WHO कंफर्म द न्यू स्वाइन फ्लू वायरस? इसका करेक्ट आंसर आप बनेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि चाइना कंट्री में दोबारा से यहां पर एक नया वायरस आपको देखने को मिला है। इस वायरस को G4 नाम यहां पर दिया गया है। इस वायरस को क्या नाम दिया गया है? G4 नाम इस वायरस को यहां पर दिया गया है। स्वाइन फ्लू वायरस सबसे पहले उन इंसानों में मिलने की पुष्टि हुई थी जो लोग सुअरों का पालन करते हैं या पिग्स को पालते हैं उनमें, इसी से इसको नाम मिलता है स्वाइन फ्लू। किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइएगा कि कोरोना की लड़ाई की अगर मैं बात करता हूं तो कोरोना की लड़ाई में या कोरोना से लड़ने में अगर मैं बात करता हूं प्लाज्मा थेरेपी आपकी काफी हद तक मददगार साबित हुई है। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो इंसान के ब्लड में आपका पाया जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड से प्लाज्मा को निकालकर एक रोगी व्यक्ति के ब्लड में आपका डाला जाता है ताकि उस व्यक्ति के अंदर भी बीमारी से लड़ने की यहाँ पर क्या हो, क्षमता आपकी डेवलप हो जाए। बात मेरी समझ में आई? इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा फटाफट से टाइप करके यहाँ पर बता दीजिए कि सही जवाब यहाँ पर क्या रहेगा। फटाफट से आंसर करके बताइए। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस में फेरबदल किए हैं, कल आपको ऑप्शंस कुछ और दिख रहे होंगे, आज ऑप्शंस कुछ और दिख रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन कल टीच कर चुके हैं, कल पढ़ा चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि आंसर करने में कोई दिक्कत होगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा महाराष्ट्र स्टेट, नन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर है और आंसर बनता है महाराष्ट्र स्टेट यानी कि महाराष्ट्र राज्य। यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं उद्धव ठाकरे साहब, यहाँ के गवर्नर बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी यहां पर ट्रायल बताया जा रहा है, याद रखिएगा। किसे एक साल के लिए दोबारा से अटॉर्नी जनरल यहां पर नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल फॉर अनदर वन ईयर? MC शीतल वार्ड, KK वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी या इनमें से कोई नहीं? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, उनका नाम था MC शीतल वार्ड, याद रखिएगा। और KK वेणुगोपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इनसे पहले जो भारत के अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था मुकुल रोहतगी, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इनका टेन्योर 1 जुलाई से ही आपका शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन, 2.0 अनलॉक के तहत सरकार ने किस तिथि तक कंस्ट्रक्शन जोन में लॉकडाउन को यहाँ पर बढ़ा दिया है? तारीख क्या बनेगी? 31 अगस्त, जुलाई 15, जुलाई 31, अगस्त 14 करेक्ट आंसर है। 31 जुलाई यहाँ पर सही जवाब आपका बनेगा। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहले इस्तेमाल लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में आपकी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनती है, उसका नाम बनता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारत की सबसे पहली ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी जिसने प्लाज्मा थेरेपी के तहत कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करना आपका शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस महीने तक इस योजना को बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल विच मंथ? अगस्त 20, अक्टूबर 20, नवंबर 20, दिसंबर 20। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि नवंबर महीने जब तक दिवाली वगैरह आपकी रहेगी तब तक यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को यहाँ पर बढ़ाने की घोषणा की गई है ताकि जो गरीब लोग अभी भी परेशान हैं उनको भी यहाँ पर खाने की किल्लत ना हो और उन्हें पर्याप्त अनाज और राशन यहाँ पर मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने रेलवे, बैंक और अदालत के कर्मचारियों को स्थानीय ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है भारतीय रेलवे से? विच स्टेट हैज रिक्वेस्टेड टू रेलवे टू अलाउ बैंक कोर्ट एम्प्लॉयज टू ट्रेवल वाया लोकल ट्रेन? तो इस राज्य का नाम बनता है महाराष्ट्र राज्य। हम सभी मानते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई की बात हम करें तो लोकल ट्रेन वहां के लिए कितनी जरूरी है।
मुंबई के अंदर भी लोकल ट्रेन्स काफी जरूरी हैं, लोग काफी बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक तरह से लाइफ लाइन ही बनती है। वो एक अलग बात है कि इंडियन रेलवे की लाइफ लाइन बनती है, इंडिया की लाइफ लाइन बनती है भारतीय रेलवे, तो उसी तहत लोकल ट्रेन भी आपकी मुंबई की लाइफ लाइन बनते हैं। अब जब सारी चीजें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, तो यहाँ पर रेलवे, बैंक और अदालत के कर्मचारियों को यहाँ पर स्थानीय ट्रेन से यात्रा करने की, लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति देने की बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? सत्यदेव आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, अनुसुईया उइके, बेबी रानी मौर्य, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करके यहाँ पर बताएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू टेक एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। कल ही इन्होंने यहाँ पर ये चार्ज ले लिया है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर बनता है वो बनता है इनमें से कोई नहीं। कल अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो कल मैंने आपको ऑप्शन दिया था आनंदीबेन पटेल, लेकिन आज मैंने क्या किया है कि आनंदीबेन पटेल वाला ऑप्शन हटाकर नन ऑफ दीज रख दिया, ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो और याद रखने में आपको मदद मिले। यार कल तो कुछ और आंसर था, आज तो कुछ और आंसर है, तो जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद आपको यहाँ पर आंसर याद होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य के बनते हैं गवर्नर? ये हरियाणा के बनते हैं। अनुसुईया उइके ये आपकी बनती है छत्तीसगढ़ राज्य की। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की आपकी गवर्नर बनते हैं। अच्छे से यहाँ पर रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर स्थित भारतीय संस्थान यहाँ पर बनता है? वर्जीनिया यूनिवर्सिटी इज द टॉप रैंक इंडियन इंस्टीट्यूशन इज द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। कल ही बता दिया था, अच्छे से याद होगा, IIT रोपड़ करेक्ट आंसर बनेगा। यह भी बताया था कि भारत के अगर फर्स्ट IIT आपसे पूछी जाती है तो आपका आंसर बनता है IIT खड़गपुर, याद रखिएगा। वेरी गुड, आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है, इन्हें एडिशनल चार्ज सृजा यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश का भी, ये याद रखिएगा। क्लियर रहा, सारी बातें समझ में आई? फर्स्ट IIT IIT खड़गपुर किस राज्य में मौजूद है? फटाफट से स्टेट का नाम टाइप करके बता दीजिएगा। उस भारतीय एम्पायर का नाम बताइए जिसे हाल ही में आगामी 2020 एंड 21 जो सेशन है, सत्र है, उसके एम्पायरों की ICC एलीट पैनल में यहाँ पर शामिल किया गया है। नेम द इंडियन एम्पायर हु हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द ICC एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स फॉर द अपकमिंग 2020 एंड 21। ये इस पैनल में शामिल होने वाले मात्र तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले दो ही भारतीय एम्पायर्स को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया था। इनका नाम क्या बनता है? सर इनका नाम बनता है नितिन मेनन। इनके पिता भी यहाँ पर एम्पायर ही थे, ये भी याद रखिएगा। ICC की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? फटाफट से टाइप करके यहाँ पर बता दीजिएगा कि ICC का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर मौजूद है। और ICC के जो चेयरमैन अभी तक बनते थे वो बनते थे शशांक मनोहर। कल इनके 2 साल का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब ICC के चेयरमैन नहीं रहे शशांक मनोहर। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि अब ICC के चेयरमैन आपके शशांक मनोहर नहीं रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई है, तो फटाफट से सभी विद्यार्थी यहाँ पर लाइक कर दें, शेयर कर दें। यहाँ तक का रिविजन सेशन कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है? तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए कि हाँ सर सारी बातें समझ में आई, और जो आपने ऑप्शन के साथ जो खेला है ना सर, उससे हमारे दिमाग को थोड़ा सा याद रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज मैंने की है कि कल आपको करेक्ट आंसर बता दिया, आज उस करेक्ट आंसर को ऑप्शन से गायब कर दिया। आप सभी ने, जितने लोगों ने नन ऑफ दीज आंसर किया, उनके दिमाग में करेक्ट आंसर जरूर आया होगा, क्योंकि उनको लगा अरे यार ये आंसर तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। इससे क्या होगा ना कि दिमाग पर थोड़ा सा जोर पड़ता है कि सही आंसर क्या था, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं, तो इससे याद रखने में काफी मदद मिलती है। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्लास को। ओके, नए क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार हैं तो एक बार जैसे लेकर बताइएगा। अभी कोई नहीं है, अभी चुनाव होने वाला है तो अभी कोई बने नहीं है, लेकिन अभी अभी इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका खत्म हो गया है। अभी न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जल्दी होगा, उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। ओके, ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या कोई मुझे टाइप करके बता सकता है कि ICC का मोटो क्या है? मोटो ऑफ ICC, एक बार IBPS के एग्जाम में ही पूछा गया था आपका मोटो ऑफ प्लस कोर्स। सुखवीर जी 6 तारीख मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 2 जुलाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, केंद्र ने अफस्पा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र यहां पर घोषित किया? विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ बाय द सेंट्रल अंडर द अफस्पा। अफस्पा का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और जो ये जिस राज्य में से 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है, वैसे ये इस राज्य में पिछले 7 सालों से लगा हुआ है। पिछले 6 दशक से, पिछले 60 सालों से ये जो कानून है वो इस राज्य में आपका लागू है। अब इसे फिर से और अगले 6 महीनों के लिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। अफस्पा ऑल
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये अफस्पा का पूरा नाम बनता है। आप सभी को याद भी होगा कि इरोन चानू शर्मिला, आपने इरोम शर्मिला का नाम भी सुना होगा, ये कार्यकर्ता बनते हैं। इरोम शर्मिला ये आपकी एक सामाजिक कार्यकर्ता बनती हैं। इन्होंने पिछले 16 सालों से भूख हड़ताल की हुई थी, आंदोलन किया हुआ था कि उनके राज्य से अफस्पा कानून को यहाँ पर हटाया जाए, क्योंकि अफस्पा कानून के तहत पुलिस बल को या सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने, उनसे पूछताछ करने और संदेह की दृष्टि में, सुरक्षा की दृष्टि से अगर ठीक लगे तो उन्हें गोली मारने के भी आदेश हैं। तो कई बार ये हो जाता है कि इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। तो इरोन चानू शर्मिला, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से कैसे जाना जाता है, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से इरोन चानू शर्मिला को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 16 सालों तक भूख हड़ताल की थी। किसी भी इंसान के द्वारा सबसे लंबी जो भूख हड़ताल का रिकॉर्ड है वो इरोन चानू शर्मिला के नाम पर यहाँ पर बनता है। अब आप कहोगे सर 16 साल तो कोई बिना खाए जीवित रह नहीं सकता, फिर ये जीवित कैसे रही, क्योंकि इनके नाक से एक नली डालकर इनको लिक्विड फूड पहुंचाया जाता था, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी व्यक्ति की इस तरह से मौत नहीं हो सकती, इनको भी जीवन जीने का अधिकार है। तो सरकारी एजेंसियों ने, सरकारों ने यहाँ पर इनको एक तरह से जो खाना वगैरह दिया जाता था वो लिक्विड फूड के माध्यम से दिया जाता था, इन्होंने कभी खुद यहाँ पर खाना नहीं लिया। करेक्ट आंसर पर बनता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य में फिर यहाँ पर अफस्पा कानून को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नहीं मणिपुर में तो लगा हुआ है वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड जो किया गया है वो नागालैंड, अकेले नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में भी लगा हुआ है, कुछ और भारतीय राज्यों में भी लगा हुआ है, लेकिन वो सभी नॉर्थ ईस्ट के ही भारतीय राज्य हैं। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, सुरक्षा कारणों को देखते हुए यहाँ पर अफस्पा कानून लगाया गया है। ठीक है, ये बात याद रहेगी, उम्मीद है आप सभी को याद रहेगी जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि जो आपका ये कानून है, इस कानून के तहत भारतीय अधिकारियों को, भारतीय सैनिकों को यहाँ पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और गोली मारने तक के आदेश होते हैं, क्योंकि नागालैंड आपका एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर कुछ दूसरे गुट, आतंकवादी समूह भी मौजूद हैं, इसके अलावा सीमा पार से भी यहाँ पर अवैध घुसपैठ होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये कानून यहाँ पर जरूरी आपके लिए बन जाता है। ठीक है, क्लियर रहा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखना है कि नागालैंड हमारा कहाँ पर है, नागालैंड हमारा यहाँ पर मौजूद है, और नागालैंड में किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, फटाफट से टाइप करके बताइएगा। ये आपका नागालैंड स्टेट है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका नागालैंड है। नागालैंड के ऊपर की तरफ जो राज्य आपका बनता है, ये वाला राज्य, फटाफट से इस राज्य का नाम बताइएगा कि ये राज्य आपका कौन सा राज्य बनता है। थोड़ी सी मैप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के ही राज्यों के बारे में जानकारी नहीं होती, बाकी के भारत के दूसरे राज्यों के बारे में अगर मैं लोकेशन पूछूंगा कि यहाँ पर कौन सा राज्य है तो आप लोग फटाफट से बता दोगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। तो फटाफट से बताइएगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो आपके 7 राज्य बनते हैं उनमें से लार्जेस्ट जो आपका स्टेट बनता है, 7 सिस्टर्स ऑफ ईस्ट में से जो लार्जेस्ट स्टेट आपका बनता है अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य आपका ये बनता है, इस राज्य का नाम यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है, फटाफट से टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, वेरी गुड, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को आपका क्या होता है, त्योहारों का त्योहार आपका कहा जाता है। हॉर्नबिल एक तरह की चिड़िया होती है, याद रखिएगा। ये वाला जो स्टेट है, आप लोगों का आंसर आ गया सर, ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में क्या मौजूद है सर, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में सर नागालैंड आपका मौजूद है। नागालैंड में कौन सी आदिवासी जनजातियां आपकी पाई जाती हैं, अगर याद है तो नागालैंड में नागा की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और आदिवासी जनजातियां कौन सी पाई जाती हैं, फटाफट से टाइप करके बताइएगा। नागालैंड के दक्षिण में ये वाला स्टेट आपका कौन सा स्टेट बनता है, फटाफट से टाइप करके ये भी बताइए कि ये वाला स्टेट जो कि नागालैंड के दक्षिण में बनता है ये कौन सा राज्य आपका बनता है। नहीं, ये असम नहीं है डियर, ये असम नहीं है, असम नॉर्थ ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है, ये असम नहीं है। इस राज्य का नाम फटाफट से बताइए, अभी तक किसी ने भी इस राज्य का नाम यहाँ पर टाइप करके नहीं बताया है। यहीं पर आपकी लोकटक झील भी मौजूद है, लोकटक झील, लोकटक लेक इसी राज्य में मौजूद है। यहीं पर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका मौजूद है, भारत का इकलौता और दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील के ऊपर आपका मौजूद है। लोकटक झील के ऊपर 70% एरिया पर, 70% एरिया पर क्या है, आपकी घास जो आपकी फैली हुई है उसे फुमदी कहते हैं, क्या कहते हैं, फुमदी घास आपकी यहाँ पर कहते हैं। इस राज्य का नाम बनता है मणिपुर,
ये राज्य आपका जो है वो क्या बनता है, मणिपुर राज्य आपका बनता है, याद रखिएगा मणिपुर। ये वाला जो स्टेट आप देख रहे हैं ये कौन सा स्टेट बनता है, फटाफट से टाइप करके बताइए, एक तो ये वाला राज्य बता दीजिएगा, साथ ही साथ ये वाला राज्य जो कि तीन तरफ से आपका, ये तीनों तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस राज्य का नाम आपका बनता है त्रिपुरा, इस राज्य का नाम आपका बनता है त्रिपुरा, याद रखिएगा इस राज्य का नाम बनता है त्रिपुरा। और ये वाला स्टेट आपका कौन सा स्टेट है, फटाफट से टाइप करके यहाँ पर बता दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका स्टेट है ये आपका बनता है मेघालय राज्य, ये क्या बनता है मेघालय। यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण पहाड़ियां आपकी मौजूद है, नागा खासी नहीं, गारो खासी और जयंतिया हिल्स, कौन सी तीन पहाड़ियां, गारो खासी और जयंतिया हिल्स, ये आपकी मेघालय में मौजूद हैं। और ये तीनों पहाड़ियां बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो आपका मानसून उठता है उस मानसून के माध्यम से सबसे ज्यादा बारिश आपकी मेघालय में होती है, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा तो ये वाला है, त्रिपुरा तो मैंने बता दिया, ये वाला आपको बताना है कि ये वाला स्टेट कौन सा बनता है, आप लोग गलत जा रहे हो, मैंने आपसे पूछा ये वाला स्टेट आपका कौन सा स्टेट बनता है, ये वाला स्टेट आपका बनता है मिजोरम, ओके। और जितने लोग भी असम आंसर कर रहे थे मैं बता दूं कि असम राज्य आपका ये रहा जो ब्लू कलर से, हल्के ब्लू कलर से आपको यहाँ पर डेडिकेट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपका असम स्टेट बनता है। असम स्टेट नॉर्थ ईस्ट के सभी भारतीय राज्यों में से दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बनता है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर ये वाला राज्य आपका कौन सा है, फटाफट से टाइप करके बताइएगा, ये वाला स्टेट कौन सा है, क्योंकि इस स्टेट में यूनेस्को की, इस स्टेट में यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी मौजूद है, जो कि आपकी इकलौती मिक्स्ड साइट बनती है, यूनेस्को की 38 भारत में साइट्स आपकी मौजूद है, ये तो आपको पता ही है ना। मैं आपका कहां पर था, मेघालय के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया, और मेघालय में दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो मेघालय में होती है। दो ऐसी जगह जो कि सबसे ज्यादा बारिश आपकी रिसीव करती हैं, एक तो मौसमराम और चेरापूंजी, दोनों ही आपकी मेघालय राज्य में आपकी मौजूद हैं। यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार यस लिखकर मुझे बता दीजिएगा। नेहा कुमारी जी, जो ओलंपिक के रिंग्स हैं वो शाम 4 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कल शाम 4 बजे ही उसको डिस्कस करेंगे, आज शाम 4 बजे, ठीक है, तो उस क्लास में डिस्कस करके मैं बता दूंगा। यहां तक सारी बातें क्लियर रही, वो राज्य तो आपका सिक्किम बनता है, और वहां पर जो आपकी इकलौती यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है, जो कि आपकी मिक्स्ड साइट बनती है, उसे कहते हैं आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, क्या बोलते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क उसको यहां पर बोला जाता है, याद रखिएगा, क्लियर रहा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फेमस डॉक्टर। मैं प्रैक्टिस पसंद आई हो तो फटाफट से सभी स्टूडेंट यहां पर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें, यस सर बिल्कुल, गारो खासी और जयंतिया हिल सबसे ज्यादा बारिश का कारण बनती है, बिल्कुल मेघालय में जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उसका, ठीक है, फटाफट से लाइक और शेयर कर देना, पर डे आपकी थोड़ी बहुत मैप प्रैक्टिस भी कराते हुए चलेंगे, ओके। चलो, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फेमस डॉक्टर, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर विधन चंद्र रॉय, डॉक्टर नरेश त्रेहन, या फिर डॉक्टर अशोक राजगोपाल। किस डॉक्टर की याद में हर साल आपका 1 जुलाई को, हर साल आपका 1 जुलाई को आपका नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, फटाफट से टाइप करके यहाँ पर मुझे बताइएगा। काफी सारे लोग ऑप्शन नंबर 1 आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग 2 भी कर रहे हैं। देखो यार, इस क्वेश्चन का आंसर तो करना ही करना है, और ये भी बताना है कि आज है भैया 2 जुलाई, तो आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे बनता है ये भी आपको टाइप करके बताना है, ये भी आप ही की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, याद रखिएगा, क्लियर रहा। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है डॉक्टर विधन चंद्र रॉय, ये एक फेमस आपके डॉक्टर रहे हैं, और इन डॉक्टर को आपका भारत रत्न पुरस्कार भी आपका दिया जा चुका है, प्रसिद्ध चिकित्सक भी रहे, एंटरप्रेन्योर भी रहे, और भी कई अलग अलग फील्ड में ये काफी एक्टिव रहे, तो इनके बारे में, इन्हीं का जो इंपॉर्टेंट डे बनता है वो नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाते हैं। अच्छा, 2 जुलाई यानी कि आज की तारीख में कौन सा इंपॉर्टेंट डे है यार, बताया नहीं किसी ने, फटाफट से टाइप करके बताओ क्या इंपॉर्टेंट डे आज बनता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता। अच्छा, डॉक्टर्स डे की थीम क्या बनती है ये भी बताना है तुम्ही लोगों को, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, थीम क्या बनती है नेशनल डॉक्टर्स डे की, फटाफट से टाइप करके यहाँ पर बताइएगा। जून के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करा देंगे डोरेमोन, परेशान मत हो। When was the भारत रत्न अवार्ड गिवन टू द डॉक्टर विधन चंद्र रॉय, फटाफट, 1997 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, नहीं सर, 1997 में तो सर एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया गया था, अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम, और आगे चलकर एपीजी ने 1998 में क्या किया था, ऑपरेशन शक्ति को कंडक्ट कराया था पोखरण राजस्थान में, जब भारत ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तारीख सर बनती थी, आपने हमें बताया था कि 11 मई वो तारीख बनती है सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट की, और 11 मई को सर हम लोग मनाते क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका मनाते हैं।
बिल्कुल थीम आपकी बनती है रोनित घोष, वेरी गुड। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या को कम से कम करना, यही हमारी थीम बनती है किसकी, नेशनल डॉक्टर्स डे की। 1971 में किसे भारत रत्न दिया गया था, सर इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया था, और इंदिरा गांधी जी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, और पहली महिला थी याद रखिएगा, 1971 की जंग के बाद इन्होंने खुद को यहाँ पर अपने आप को भारत रत्न पुरस्कार यहाँ पर दिया था। सर 1962 में भारत रत्न किसे दिया गया है, तो 1962 में जो दिया गया था वो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपका भारत रत्न पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। तो इनको कब मिला था सर, क्वेश्चन तो ये है, तो 1961 में इनको यहाँ पर पुरस्कार ये दिया गया था। 1961 में ही भारत के गोवा राज्य में, 1961 में ही भारत के गोवा राज्य में, गोवा राज्य को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो फटाफट से टाइप करके मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा। 2 जुलाई का किसी ने आंसर दिया, 2 जुलाई का किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया, क्या जाते हो यार तुम लोग जिंदगी से, फटाफट से बताओ कि 2 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अभी तक सर्च नहीं कर पाए क्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं जिन्हें 1961 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, इन्हीं के द्वारा भारत रत्न पुरस्कारों को 1954 में आपका स्थापित किया गया था। एक बार में मैक्सिमम 1 साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार आपका दिया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी भी कहा जाता है, गांधी ऑफ बिहार के नाम से फेमस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हें राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है, इन्हें राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है, अजात शत्रु ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। आज यूएफओ डे है, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या बनता है, यूएफओ ये एलियन से संबंधित है, तो यूएफओ का फुल फॉर्म फटाफट से टाइप करके बताओ। आज एलियंस का दिवस है, जिनको हमने कभी देखा नहीं उनका दिवस भी हम लोग मनाते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड में अगर हम भी हैं तो एलियंस भी होंगे, है ना। ऑपरेशन विजय जितने भी लोगों ने आंसर किया है बिल्कुल सही है, ऑपरेशन विजय आपका चलाया गया था गोवा को आजाद कराने के लिए, ऑपरेशन विजय को दोबारा भी आपका चलाया गया था 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीर है वो आपकी विधन, डॉक्टर विधन रॉय की है। नेशनल डॉक्टर्स डे इन्हीं के दिन पर मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों में जो डॉक्टर्स डे आपका मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, हमें दूसरों से क्या लेना देना। ओके, इनको भारत रत्न पुरस्कार आपका दिया गया था 4 फरवरी 1961 को, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी आपका अवार्ड दिया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड आपका बनता है। यूएफओ का फुल फॉर्म नहीं बता रहे हो तुम लोग यार, ऐसे करोगे, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वेरी गुड विदिशा उपाध्याय, वेरी गुड, वेरी नाइस, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है, वेरी गुड। हाल ही में किसे पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है, फटाफट आंसर करके बताइए, और लाइक और शेयर करते चलो भाई, लाइक और शेयर करते चलो। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, फटाफट से टाइप करके बताइए कि यहाँ पर नाम क्या होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर पाकिस्तान का मत पूछो, लेकिन पूछना पड़ता है भैया, पाकिस्तान में भी जब कुछ ऐसी चीजें होती है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, एग्जाम में पूछता है इसलिए पूछना पड़ता है, नहीं तो मुझे कोई पाकिस्तान से खास लगाव थोड़ी ना है, है ना। फटाफट से टाइप करो भाई, इतना देर नहीं लगानी है, फटाफट से टाइप करो और आंसर बताओ कि यहाँ पर पाकिस्तान की सेना की पहली यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल आपकी बनी है वो कौन बनी है, फटाफट से टाइप करके यहाँ पर बताओ, फटाफट फटाफट, देर नहीं लगानी, देर बिल्कुल भी नहीं लगानी है, इसलिए जल्दी से आंसर करो और बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर बचे हुए जो ग्रुप्स थे वहां पर भी लिंक को शेयर कर दिया है, आप लोग भी फटाफट से लिंक को यहाँ पर शेयर कर देना, ताकि आज कम से कम 200 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें, आज कम से कम 200 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें, ये हमारा गोल है, ये हमारा टारगेट है, हर दिन का टारगेट लेकर चलेंगे, ताकि भाई आगे भाई संख्या भी तो बढ़ानी है लोगों की, हमें से इतने लोग रहेंगे और भी बढ़ेंगे भाई। चलिए बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा फटाफट से, यहाँ पर सर करेक्ट आंसर बनेगा निगत जौहर, क्या बनेगा निगत जौहर। सर हम कंफ्यूज पता कहाँ हो गए थे, हम कंफ्यूज हो गए थे किरण जौहर पे, हमें लगा ये सर किरण जौहर नहीं, हमें लगा ये करण जौहर है, तो हम कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वो भी बंदा कंफ्यूज है ना। तो निगत जौहर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है, याद रखिएगा पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, इनका नाम यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों अफसरों व कर्मचारियों को दफ्तर से कामकाज में मराठी भाषा का अनिवार्य इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन ऑर्डर टू कंपलसरी यूज ऑफ मराठी लैंग्वेज टू ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स
एंड एम्प्लॉयज इन ऑफिस वर्क, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है? मराठी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करके बता दीजिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से आंसर करके बताइएगा। सर बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस की बात यहाँ पर की गई है। अगर हम मराठी लैंग्वेज की सर बात करते हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मराठी लैंग्वेज आपकी कहाँ पर होती है? मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र में आपकी यूज की जाती है। महाराष्ट्र सर ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा नन ऑफ दीज। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बनते हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बनते हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। गवर्नर बनते हैं यूपी के आनंदीबेन पटेल, अब इन्हें मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है। राजस्थान के गवर्नर बनते हैं कलराज मिश्र, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी विभागों, अफसरों और कर्मचारियों को दफ्तर से कामकाज में मराठी भाषा का अनिवार्य इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। ये अनिवार्य है कि उनको इस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मराठी भाषा विभाग के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें विभाग प्रमुखों को कर्मचारियों के द्वारा अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उनको चेतावनी देने, उनका वार्षिक इंक्रीमेंट रोकने, मतलब कि आपका प्रमोशन हो रहा था, एनुअल आपका प्रमोशन हो रहा था लेकिन आप मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका प्रमोशन भी रोका जा सकता है, जैसी दंडनीय कार्रवाई भी आपकी की जाएंगी। ये आदेश यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी किया है, ठीक है? तो याद रखिएगा नाम, महाराष्ट्र स्टेट ने हाल ही में ये जो मराठी भाषा को है अनिवार्य बनाने की बात की, लेकिन सरकारी कर्मचारी और सरकारी कार्यालयों में। ओके, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ चीफ मिनिस्टर, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं। गवर्नर का नाम भी अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद है ना? तो फटाफट से आप लोग भी गवर्नर का नाम टाइप करके यहाँ पर बता दीजिएगा। मामा के नाम से शिवराज सिंह चौहान जी को जाना जाता है, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मामा, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो जॉइंट इंडियन स्क्वायरल यहाँ की स्टेट एनिमल बनती है। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो ग्रीन पिजन, हरा कबूतर यहाँ का स्टेट बर्ड बनता है। फ्लावर की बात करते हैं तो जरुल नाम का फूल या फिर तमहान नाम का जो फूल है वो स्टेट फ्लावर बनता है। और स्टेट ट्री की बात करते हैं तो मैंगो का जो वृक्ष बनता है तमहान के नाम से, मैंगो वृक्ष जो आपका बनता है वो यहाँ का स्टेट ट्री बनता है। मैंगो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका नेशनल फ्रूट बनता है, राष्ट्रीय फल बनता है। अच्छा, मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपसे पूछता हूँ तो कितने लोग मुझे आंसर कर पाएंगे कि सर फटाफट से बताओ कि नेशनल वेजिटेबल भारत की क्या बनती है? नेशनल वेजिटेबल भारत की नेशनल वेजिटेबल क्या बनती है? राष्ट्रीय सब्जी क्या बनती है? फटाफट से अगर आंसर याद है तो फटाफट से टाइप करके बताना। देखो, मराठी लैंग्वेज सबको नहीं आती है लेकिन महाराष्ट्र में जो लोग आपके जाते हैं, महाराष्ट्र में जो लोग मराठी दफ्तरों पर जाते हैं वो लोग मोस्टली मराठी ही बोलते हैं। तो रीजन यही है कि यहाँ पर सबके लिए कंपलसरी नहीं है लेकिन कम से कम जो लोकल लोग हैं उनके लिए मराठी भाषा में बात यहाँ पर की जाए। क्लियर रहा? ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। नेशनल वेजिटेबल बतानी है भैया, फटाफट से टाइप करके बताओ। सोनम सोनी जी ने सबसे पहले आंसर किया है कद्दू, पोटैटो नहीं है। सैफाली सिंह जी पम्पकिन, कद्दू यहाँ पर नेशनल वेजिटेबल बनती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी में अपने जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, सांख्यिकीय क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स में अपने जीवन की उपलब्धियों के लिए 2020 में आधिकारिक तौर पर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए, फटाफट से टाइप करके। नेम द विनर ऑफ द प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट। रघुराम राजन, रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये तो आपको पता होगा। डॉक्टर सी रंग राजन, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये भी आपको पता होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आरबीआई के 15वें गवर्नर रह चुके हैं, ये भी पता होगा। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर बनते हैं शक्तिकांत दास जी, इनमें से किसे यहाँ पर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जो पहली बार ये पुरस्कार आपका शुरू किया गया है वो किसे दिया गया है? तो इसे डॉक्टर सी रंगराजन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? पानी के अंदर आपने देखा होगा काई आपकी जमती है, शैवाल जिसे हम लोग कवक भी कहते हैं वो आपका जम जाता है। तो भारत का पहला लिंचिन पार्क इन इंडिया हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट रिसेंटली? भारत का पहला शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला या फिर महाराष्ट्र? फटाफट से टाइप करके बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के जो आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं आपके जयराम ठाकुर, क्या बनते हैं? जयराम ठाकुर। उत्तराखंड के बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखिएगा। केरला के बनते हैं पी विजयन साहब। और
महाराष्ट्र के बनते हैं उद्धव ठाकरे। सर ये तो हमें रटा हुआ है, आप पर डे हर क्लास के साथ हर ऑप्शन के साथ बता ही देते हैं तो ये याद होना आसान हो जाता है। करेक्ट आंसर बनेगा उत्तराखंड स्टेट ही, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य में पहला शैवाल पार्क आपका ओपन किया गया है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो उत्तराखंड से ही आपकी गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर पहले उत्तरांचल के नाम से बना था और बाद में इसका नाम उत्तराखंड हुआ। आप बता सकते हैं कि किस ईयर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के तौर पर इसे दर्जा मिला। हाल ही में यहाँ की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेण आपकी बनाई गई है। गैरसेण का दूसरा नाम बनता है बरारसेण, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ के स्टेट एनिमल की बात करते तो मस्क डियर यानी कि जो कस्तूरी मृग होता है वो यहाँ का राजकीय पशु बनता है। बर्ड की बात करते हैं तो स्टेट बर्ड बनती है मोनल। फ्लावर आपका बनता है ब्रह्म कमल, जबकि कमल का फूल भारत का नेशनल फ्लावर बनता है। ट्री की बात करते हैं, स्टेट ट्री आपका बनता है बुरांस नाम का जो पेड़ है वो आपका स्टेट ट्री यहाँ पर बनता है। सीधा ईयर याद रख लेना, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सन 2000 में यहाँ पर उत्तरांचल के तौर पर नए राज्य का निर्माण हुआ था, अब इसे उत्तराखंड आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किल कोरोना कैंपेन, कौन सी कैंपेन? किल कोरोना कैंपेन is a 15 day long drive launched by which state to carry door to door survey to control the spread of coronavirus in the state. आपको बता रहे हैं कि एक अभियान चलाया जा रहा है, अभियान का नाम बनता है किल कोरोना अभियान। ये एक 15 दिन लंबी ड्राइव है, मतलब 15 दिनों तक ये अभियान आपका चलाया जाएगा, जिसके तहत कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। घर घर जाकर लोगों से सर्वे किया जाएगा, लोगों के नमूने यहाँ पर लिए जाएंगे, सैंपल्स लिए जाएंगे। ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। फटाफट से टाइप करके बताइएगा सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा। किल कोरोना कैंपेन कहाँ पर शुरू की गई है? सर किल कोरोना कैंपेन वहीं पर शुरू की गई है जहां का अतिरिक्त प्रभार, गवर्नर के अतिरिक्त प्रभार को जहां पर आनंदीबेन पटेल ने जहां पर ये अतिरिक्त प्रभार आपका संभाला है। तो सर करेक्ट आंसर पर बनता है मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बनता है अकॉर्डिंग टू दी एरिया। कौन कौन से नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में मौजूद है? फटाफट से टाइप करके यहाँ पर बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क आपके मौजूद है, क्योंकि नेशनल पार्क आपका स्टेट टाइगर स्टेट के नाम से भी आपका जाना जाता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है भारत का मध्य प्रदेश, और सबसे बड़ा राज्य बनता है आपका राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से। चौथा सबसे बड़ा राज्य बनता है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के लिहाज से नंबर वन पोजीशन पर है। पांचवी पोजीशन पर आता है सर आपका गुजरात और छठी पोजीशन पर आता है आपका कर्नाटका स्टेट। तो आसानी से आप लोग इन सभी को यहाँ पर याद रखेगा। वेरी गुड के डी अनुराग जी, किताब का नाम बताने के लिए यहाँ पर देखिये प्रज्ञा त्रिपाठी जी ने ए टू जेड हर चीज यहाँ पर बता दी है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बनते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, पैंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, ये सभी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है और प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 यानी कि 1973 में आपका चलाया गया था, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर रहा, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ हिरासत में रखे गए नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? किस देश के साथ ये आदान प्रदान किया है? इंडिया एक्सचेंज लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स, मतलब कि हमने किसी देश के कैदियों को और नागरिकों को यहाँ पर क्या किया है, अपने देश में हिरासत में रखा है। बहुत सारे मछुआरे हैं इस देश के जिनको भारत ने अपने पास हिरासत में रखा है, और इनकी जो लिस्ट है कि हमारे पास कितने मछुआरे हैं, कितने प्रिजनर्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर क्या हैं, जो हमारे पास यहाँ पर हिरासत में हैं, तो ये किस देश के साथ इस लिस्ट को साझा किया गया है? श्रीलंका के साथ, क्योंकि कई बार आप लोग यहाँ पर सुनते रहते हैं कि जो श्रीलंका आपका बनता है, श्रीलंका के जो मछुआरे होते हैं वो भारत की सीमा पार करके भारत में आ जाते हैं, कई बार भारत के मछुआरे आपके श्रीलंका पहुंच जाते हैं, इस तरीके से चाइना है, बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान है। फटाफट से टाइप करके बताइएगा। करेक्ट आंसर बनता है सर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 4। सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या मध्य प्रदेश में ही है, वेरी गुड, क्योंकि लेटेस्ट जो आपका टाइगर सेंसस हुआ था वो 2018 में हुआ था, तब मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स थे और पूरे भारत में आपके 2967 यानी कि 2967 टाइगर्स थे, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर साझा की है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 2020 को भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद, भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अच्छा पाकिस्तान की राजधानी 1959 तक इस्लामाबाद नहीं थी, कुछ और थी। तो बता सकते हैं कि पहली राजधानी क्या थी पाकिस्तान की। उनके बीच में जो राजनयिक चैनल है उनके माध्यम से जो भी भारतीय कैदी पाकिस्तान के पास हिरासत में है और जो भी पाकिस्तानी नागरिक जो भारत की हिरासत में है और जो मछुआरे हैं उनकी सूची को आदान प्रदान किया है, क्योंकि आपको पता होगा अरब सागर के पास भारत और पाकिस्तान समुद्री सीमा भी साझा करते हैं, तो कई बार पाकिस्तानी नागरिक भारत के या पाकिस्तानी मछुआरे भारत के जल क्षेत्र में आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है संदिग्धता के आधार पर दोनों देशों के बीच। इसके लिए 2008 में एक समझौता हुआ था। सर ये जो लिस्ट हम आदान प्रदान करते हैं ये कैसा होता है, व्हाट्सएप पर हम मैसेज भेज देते होंगे कि भैया लिस्ट भेज दो तो वो भी भेज देते होंगे और हम भी भेज देते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सन 2008 में। इस समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी को यानी कि न्यू ईयर के दिन और 1 जुलाई को यानी कि 6 महीने बाद ऐसी सूचियों का आदान प्रदान आपका हर साल किया जाता है। तो साल में 2 बार इस सूची का आदान प्रदान होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है? फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके, कराची शहर पहले पाकिस्तान की राजधानी हुआ करता था, बाद में इसकी राजधानी इस्लामाबाद आपकी बनती है। अगला क्वेश्चन, किस 2 बॉलीवुड अभिनेताओं को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है? इसका मतलब सीधा सीधा ऑस्कर से है, ऑस्कर अवार्ड्स के जो सेरेमनी होने वाली है, ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में कितने लोगों को यहाँ पर शामिल करने के लिए, किन 2 भारतीय एक्टर एक्ट्रेसेस को यहाँ पर शामिल करने के लिए बोला गया है? विच 2 बॉलीवुड एक्टर्स हैव बीन इनवाइटेड टू जॉइन द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस? ये ऑस्कर का ही नाम बनता है क्योंकि ऑस्कर अवार्ड्स को अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी आपकी अगली ऑस्कर सेरेमनी होगी वहां पर ये 2 भारतीय अभिनेता वहां पर जाएंगे और होस्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है इनको कोई नई जिम्मेदारी दी जाए, अभी इस बात की कोई संभावना नहीं है। क्या इनका काम होगा ये अभी पता नहीं है, क्या ये होस्ट करेंगे या कुछ और इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा सम्मान है भारत के 2 अभिनेताओं के लिए। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा, परिणीति चोपड़ा, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित या फिर आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन? करेक्ट आंसर बनता है आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन। आलिया भट्ट की नागरिकता किस कंट्री की बनती है, ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा गया था। फटाफट से टाइप करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। बिल्कुल सही कहा, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के बनते हैं वो इमरान खान बनते हैं। एकता तिवारी जी, वेरी गुड। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो लियाकत अली खान, और फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके बनते हैं इस्किंदर मिर्जा। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बात करते हैं, क्लियर रहा यहाँ तक? ठीक है। कल मैंने आप सभी से डिस्कशन किया था कि और मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपसे फर्स्ट इन वर्ल्ड फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। थंबनेल के नीचे भी फर्स्ट इन वर्ल्ड लिखा होगा। कल डिस्कशन नहीं हो पाया था, लास्ट मोमेंट पर इंटरनेट चला गया था 10 मिनट पहले, इसलिए डिस्कशन नहीं हो पाया था, लेकिन आज इस पर डिस्कशन होगा। आप सभी रेडी हैं? ये चीजें, ये बातें मैं आपको कई बार लर्न करा चुका हूं, अब आपकी बारी है, आपको इनके आंसर्स बताना है। पहला पॉइंट आपका, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले 2 लोग थे, इनकी तस्वीर भी आप यहां पर देख सकते हैं, दोनों का नाम आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो बनता है वो बनता है कि फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक, दुनिया का पहला देश जिसने किताब को प्रिंट किया या किताबों को छापना शुरू किया या पेपर बुक्स आपकी छापनी शुरू की, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द USA, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का नाम। तीनों आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। RBI नहीं, SBI वाला बाकी है, इसके बाद SBI वाला, वो भी डिस्कस करेंगे, अभी 15 मिनट हमारे पास है। करेक्ट आंसर बनता है शेरपा तेंजिंग, तेंजिंग नॉर्गे इनका पूरा नाम था, ये नेपाल के थे, और एडमंड हिलेरी ये आपके न्यूजीलैंड के थे। इन दोनों ने 1953 में यहां पर क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई यहां पर पूरी की थी, और तारीख आपकी बनती है 29 मई। कौन सी तारीख बनती है, 29th of May, और 29th of May को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, फटाफट से टाइप करके यहाँ पर बता दीजिएगा। फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक, ये चाइना था जिसने पहली बार कागजी किताबों को छापना शुरू किया, और जॉर्ज वॉशिंगटन ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। अगले 3 क्वेश्चन फटाफट से बताइएगा इनका आंसर क्या बनेगा। द फर्स्ट कंट्री टू इश्यू पेपर करेंसी, पेपर मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश, पहला कंट्री जिसने लिखित संविधान आपका लिखा था। द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का पहला कंट्री जिसने लिखित संविधान बनाया या लिखा, और दुनिया का दुनिया का नहीं, ये तो पाकिस्तान के बारे में है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसका आंसर बताइए फटाफट से। तब तक मैं चाय की एक चुस्की ले लेता हूं।
29 ऑफ मे की अगर मैं बात करता हूं तो इसे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के तौर पर मनाते हैं। एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर बनती है। अभी हाल ही में चीनी दल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसे दोबारा से मेजर करने के लिए, उसको दोबारा से कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट कंट्री टू इश्यू पेपर करेंसी यानी कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश चाइना बनता है, जबकि प्लास्टिक करेंसी इश्यू करने वाला दुनिया का पहला देश आपका ऑस्ट्रेलिया बनता है। याद रखिएगा, अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने लिखित संविधान आपका बनाया था, और दुनिया का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो हमारे प्यारे भारत यानी कि इंडिया का बनता है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे आपके सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान की पहली फीमेल प्रेसिडेंट आपकी जो बनती है वो बनती है, क्यों बताऊं। अगला क्वेश्चन फर्स्ट इन वर्ल्ड के बारे में यहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे पूछा गया है इसलिए नहीं बताऊंगा। तीन क्वेश्चन और है, फटाफट से आंसर करो। फर्स्ट कंट्री टू सेंड अ मैन टू द मून, चांद पर भेजने वाले या चांद पर इंसान भेजने वाले दुनिया के पहले देश का नाम, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस, यानी कि जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, तो जो मून है चंद्रमा है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, जो कि ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह बोलते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट तो हो गया मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि इंसानों के द्वारा भेजा जाता है अंतरिक्ष में और जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स, यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेलों को होस्ट करने वाला दुनिया का कंट्री, पहला कंट्री, बताओ भैया जल्दी बता, इतना टाइम ही लगाते हैं, जल्दी बताना है भैया। अभी हमें एसबीआई के बारे में भी डिस्कशन करना है, अभी एसबीआई की हिस्ट्री भी देखनी है। फर्स्ट कंट्री टू सेंड अ मैन टू द मून इज यूएसए, ईयर बनता है 1969, मिशन का नाम बनता है अपोलो 11। सबसे पहले चांद पर कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने, सब कोई पहले व्यक्ति की ही बात करता है, दूसरे व्यक्ति की कोई बात ही नहीं करता। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम था बज एल्ड्रिन, क्या था, बज एल्ड्रिन। ओके, ये सेकेंड पर्सन थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रशिया पहला देश होगा, इसके द्वारा स्पुटनिक नाम का जो सैटेलाइट था वो आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है, पहला सैटेलाइट है दुनिया का। ग्रीस कंट्री की अगर मैं बात करते हैं, इसे हम लोग यूनान कहते हैं, इनके द्वारा पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को आयोजन किया गया था, और ग्रीस की जो राजधानी बनती है वो एथेंस बनती है, क्या बनती है, एथेंस ग्रीस की राजधानी बनती है। तो एथेंस में सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक खेल आपके जारी किए गए थे, होस्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट सिटी ऑन विच द एटम बम वाज ड्रॉप, दुनिया का पहला शहर जहां पर एटम बम गिराया गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, यहां पर नाम पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है सेकेंड वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तीन क्वेश्चन फटाफट से टाइप करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अगर कोई ये पूछता है चांद पर पहला कदम किसने रखा, तो लोग कह देते हैं नील आर्मस्ट्रांग। मेरा क्वेश्चन अलग है, अगर मैं पूछता हूं चांद पर दूसरा कदम किसने रखा, तो भी नील आर्मस्ट्रांग ही होंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक कदम रखकर भूल जाएंगे, दूसरा कदम ही नहीं रखेंगे, वहां पर लंगड़ी खेलने थोड़ी गए हैं कि एक टांग रखी दूसरी रखी नहीं रहे हैं। हाँ, चांद पर पहला कदम दूसरा रखा ही नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो चांद पर दूसरा कदम भी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, लेकिन चांद पर उतरने वाले कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति, तो आंसर करना बज एल्ड्रिन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सिटी या दुनिया का पहला शहर जहां पर एटम बम गिराया गया था वो हिरोशिमा बनता है, ये जापान में है। कब गिराया गया था सर, 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया गया था। दूसरा नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को। 6 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है, हिरोशिमा डे होता है। 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। किसके द्वारा एटम बम गिराए गए थे, अमेरिका के द्वारा। एटम बम का नाम क्या था, एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन। क्लास पसंद आए तो यार फटाफट लाइक और शेयर करो, फटाफट लाइक और शेयर करो। अगर क्लास में पढ़ने में मजा आ रहा है, नई नई चीजें सीखने को मिले, तो फटाफट लाइक और शेयर कर देना। फर्स्ट पर्सन जिसने चांद पर कदम रखा तो वो नील आर्मस्ट्रांग बनेंगे। सेकंड पर्सन जिन्होंने चांद पर कदम रखा उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, ये इनका पूरा नाम बनता है, या बज एल्ड्रिन भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, तो इनको कहते हैं मार्गरेट थैचर। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, ब्रिटेन की आयरन लेडी भी कहा जाता है मार्गरेट थैचर को, और इंदिरा गांधी को भी आयरन लेडी आपका कहा जाता रहा है। अगले तीन क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की पहली मुस्लिम,
फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, फीमेल मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। यहां पर मैं फीमेल लगाना भूल गया हूं, तो यहां पर आप लोग फीमेल ऐड कर लीजिएगा, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। फटाफट से टाइप करके बताइए। यहां पर करेक्ट आंसर बनता है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो कहां की प्राइम मिनिस्टर थी, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, और किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली फीमेल मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर आपकी बेनजीर भुट्टो बनती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी बनती है द डॉटर ऑफ डेस्टिनी। ओके, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, तो उनका नाम बनता है एस भंडार नायके, श्री भंडार नायके, श्रीलंका की आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, और दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। इंडिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनके बाद से लेकर अभी तक कोई भी दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला थी आपकी जुंको तावेई, ये जापान की थी। इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की तरफ से किस महिला ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, तो आपने नाम सुना होगा बछेंद्री पाल, आपने नाम सुना होगा बछेंद्री पाल नाम, ये याद रखिएगा। क्लियर रहा? चलो अब आगे बात करते हैं, आज पहले महाराष्ट्र स्टेट की, और महाराष्ट्र स्टेट के बाद फिर डिस्कशन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, यानी कि एसबीआई के ऊपर भी हमें डिस्कशन करना है। कल की क्लास में रह गया था, कल तो एसबीआई का बर्थडे भी था, क्योंकि एसबीआई की स्थापना 1955 और तारीख आपकी बनती है 1 जुलाई को हुई थी। महाराष्ट्र की बात करते हैं, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, एक तो भैया ये गुजरात से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से काफी लंबी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से लंबी सीमा साझा करता है, तेलंगाना से सीमा साझा करता है, कर्नाटका से, और गोवा राज्य से ये सीमा साझा करता है। गोवा और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर बनाने वाली जो रिवर है उसका नाम क्या बनता है, फटाफट से टाइप करके यहाँ पर बता दीजिएगा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1960 में होती है, तारीख बनती है 1 मई, तो 1 मई को आपका महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस भी आपका 1 मई को मनाया जाता है, और 1 मई को ही आपका गुजरात दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कैपिटल बनती है मुंबई, जिले बनते हैं 36, गवर्नर बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम भी याद रखेगा। आजकल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बहुत पूछे जा रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सबको याद होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबको याद नहीं होता। ठीक है, लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें यहाँ पर बनती है। एनिमल की बात करते हैं तो ज्वाइंट इंडियन स्क्वायरल यहाँ पर क्या बनती है, स्टेट एनिमल बनती है। येलो पिजन, येलो फूटेड ग्रीन पिजन यहाँ का स्टेट बर्ड बनती है। मैंगो यहाँ का ट्री बनता है, और जरूल नाम का जो फूल है वो यहाँ का स्टेट फ्लावर आपका बनता है। अब हम लोग SBI के बारे में बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 बैंकों से मिलकर बनाया गया था, इन 3 बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता। तेरे खोल रिवर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन तीनों बैंकों के नाम फटाफट से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अंग्रेजों के जमाने में एक बैंक स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, कब हुआ था सर? 1806 में हुआ था। ओके, वेरी गुड सर, वेरी नाइस। अरे काहे का नाइस, क्योंकि आगे चल के 1806 में ये बैंक जो बना था इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। सर अंग्रेजों को कोई काम नहीं था, नाम बदलते रहते थे। हाँ, नाम बदलते रहते थे। बैंक ऑफ बंगाल बना फाइनली। फिर सर, फिर क्या हुआ? बैंक ऑफ बॉम्बे स्टैब्लिश होता है। कब स्टैब्लिश होता है सर? ये सर स्टैब्लिश होता है 1840 में। वेरी गुड। फिर सर कौन सा बैंक बना? फिर बना बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास सर कब बना? ये 1843 में बना। तो यार सर, ये इनको प्रेसिडेंसी बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन तीनों ही बैंकों के नाम प्रांतों के नाम पर थे। जैसे कि भारत में एक नाम बनता है उत्तर प्रदेश, और मैं बैंक का नाम, या मैं बैंक ओपन करूं और मैं उसका नाम रख दूं बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मैं ये कहूंगा कि इस बैंक का नाम राज्य के नाम पर है। सेम उसी तरह उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, प्रांत हुआ करता था, बॉम्बे भी आपका प्रांत हुआ करता था, और बंगाल भी आपका प्रांत हुआ करता था। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत पर ही अधिकार किया था। तो प्रांतों के नाम पर जो बैंकों के नाम रखे गए, इन्हें प्रांतीय बैंक कहा गया। इन तीनों बैंक को आगे चल के क्या कर दिया गया? इन तीनों बैंक को आगे चल के मर्ज कर दिया गया। सर कब किया गया? 1921 में इन तीनों को आपस में मर्ज करके एक नाम दिया गया, और दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सर फिर नाम बदल दिया? हाँ, फिर नाम बदल दिया। नाम क्या रखा?
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम यहाँ पर रखा गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन तीन भारतीय बैंकों के मर्जिंग से बना था, विलय से बना था? तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल दोनों एक ही हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों मर्ज हुए 1921 में बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके सर, बन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, भारत का आरबीआई कब बना, भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना? फटाफट से टाइप करके बताओ कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना। ये सर 1935 में आपका बना है। तो जब 1935 में सेंट्रल बैंक बना, रिजर्व बैंक बना, तभी से करेंसी आपकी छपना शुरू हुई या इससे पहले भारत में करेंसी छपती ही नहीं थी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हमने तो सुन रखा है कि आरबीआई की स्थापना से पहले भी तो करेंसी भारत में छापी जाती होगी। बिल्कुल छापी जाती होगी सर। तो फिर आरबीआई की स्थापना से पहले भारत में करेंसी छापने और पूरे देश में उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार किसके पास था? वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास ही था। यानी कि आरबीआई से पहले भारत के सेंट्रल बैंक के तौर पर, सेंट्रल बैंक था नहीं, सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करने का जो अधिकार था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास ही था। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हो गई 1935 में, तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से यह अधिकार छीन लिया गया, करेंसी छापने वगैरह का अधिकार। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना रहा भारत की आजादी तक, और आजादी के बाद 1955 में, 1955 में इसके शब्द में से, इस बैंक के नाम में से इंपीरियल शब्द आपका हटा दिया। इंपीरियल शब्द का मतलब होता है शाही, यानी कि शाही राजघराना। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के शाही राजघराने का प्रतीक था। तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में से इंपीरियल शब्द को हटा दिया और उसकी जगह भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्टेट शब्द को जोड़ दिया गया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से आपका बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चल के इसके 8 सहयोगी बैंक भी बने जिनको बाद में सबको मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एक और बैंक बना था भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसको भी मर्ज कर दिया गया था एसबीआई के साथ। वर्तमान में एसबीआई का हेडक्वार्टर जो आपका बनता है वो मुंबई शहर में बनता है। डॉक्टर और मिस्टर रजनीश कुमार, मिस्टर रजनीश कुमार की बात करते हैं तो ये इसके चेयरपर्सन यहाँ पर बनते हैं, ये याद रखिएगा। हर साल 1 जुलाई को एसबीआई अपना फाउंडेशन डे आपका मनाता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ भारत में वर्तमान में एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वर्तमान में वो किस बैंक का है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगो की अगर मैं बात करता हूं, जो इसका लोगो बनता है इस तरीके से एसबीआई का आपका लोगो है, तो एसबीआई का जो लोगो है वो अहमदाबाद की किस झील से प्रेरित है? मतलब इस तरह से जो आपका लोगो बनता है एसबीआई का, जो शेप है इसका, ये जो शेप है वो किस तालाब, किस लेक का जो आकार है, आकृति है, उससे लिया गया है? तो अहमदाबाद में एक झील बनती है, वो झील का नाम बनता है कंकड़िया लेक या कंकड़िया झील। तो उस झील से ये आपका शेप यहाँ पर लिया गया है। क्लियर रहा? ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों मेरे साथ इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। 9 बजे आप सभी के साथ मैं फिर से जुड़ूंगा अनअकैडमी पर, और वहां पर हम लोग लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं वहां पर आपको उसकी रैंक भी पता चलेगी। और 11 बजे सीएचएसएल के एग्जाम को टारगेट करते हुए आपकी जीएस की क्लासेस अनअकैडमी पर चल रही है, जहां पर स्टैटिक जीके की क्लास होगी, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़िएगा। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी 6 जुलाई से शुरू हो रही है, तो 6 जुलाई से वर्ल्ड ज्योग्राफी जो लोग पढ़ना चाहें वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए टारगेट 10 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, और आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 6 जुलाई से क्लास शुरू हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी पर जाना है, मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करना है, इंडियन ज्योग्राफी वाला जो सब्सक्रिप्शन आपको नजर आएगा उसी सब्सक्रिप्शन पर जाकर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और उसी से आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासें इंडियन ज्योग्राफी की भी मिल जाएंगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी मिल जाएंगी। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? अंकित गुप्ता जी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसके लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा अंकित गुप्ता जी के, कैपिटल लेटर्स में 4th नंबर पर आपको नजर आएगा। ये आपका चैनल है जिस पर 4,694 स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यही आपका ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी चैनल, जो भी चैनल चल रहा है, सबके सब फेक हैं। उन सभी चैनल से आप लोग एग्जिट कीजिए, इसी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, जैसे कि मैंने कल भी आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दी थी, आज भी मैं आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। आज के दोस्तों मेरे साथ इतना ही, कल सुबह 7 बजे फिर मुलाकात होगी करंट अफेयर्स में। आज की क्लास कैसी लगी?